अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने वी सेंटर की इंस्टॉलेशन देखी, उसके बाद वी सेंटर को एक्सेस करने का तरीका सीखा, वी सेंटर का मैनेजमेंट पैनल जो है उसको एक्सेस करने का तरीका सीखा। आज के इस लेक्चर में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इसमें जो वी सेंटर का प्रॉपर काम है वो स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले डाटा सेंटर जो है वो क्रिएट करेंगे, फिर उसमें होस्ट क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि हम वर्चुअल मशीन्स को कैसे एक्सेस करते हैं अपने होस्ट में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना जो वी सेंटर का आईपी एड्रेस था वो यहाँ पे डाल के इसको एक्सेस करेंगे और यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड के साथ एक्सेस कर लेते हैं। मैं यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल रहा हूँ। पासवर्ड डालने के बाद हमारे पास इसका इंटरफेस इस तरह से ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड होने में, जैसे लोड होता है तो हम इसको देखते हैं। यहाँ पे ये कुछ एरर दे रहा है, दोबारा से एक्सेस करते हैं। सेशन टाइम आउट का एरर था। जी, तो हमारे पास यहाँ पे जो हमारा वी सेंटर था वो प्रॉपरली एक्सेस हो गया है। एक्चुअली ये जो लाइसेंस का एरर आ रहा है, मैंने काफ़ी दिन पहले जो है इसको इंस्टॉल कर लिया था, इसलिए इसका एरर आ रहा है। एनीवे कोई मसला नहीं है, इसको आप इग्नोर करें। जब न्यूली फ्रेश इंस्टॉलेशन होगी तो आप लोगों के पास ये एरर नहीं आएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमारा मेन वी सेंटर आ रहा है। इसमें हमने होस्ट सबसे पहले डाटा सेंटर क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे कि इस पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद न्यू डाटा सेंटर पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारे पास यहाँ से न्यू डाटा सेंटर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ये डाटा सेंटर है क्या, इसकी मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन जो है वो नेट से आप लोगों के लिए लेके रखी है। वर्चुअल डाटा सेंटर इज अ कंटेनर फॉर ऑल द इन्वेंट्री ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट अ फुली फंक्शनल एनवायरनमेंट फॉर ऑपरेटिंग वर्चुअल मशीन्स। ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन थी डाटा सेंटर की, कि ये कंटेनर है इन्वेंट्री ऑब्जेक्ट का जो कि वर्चुअल एनवायरनमेंट की फंक्शनैलिटीज को पूरा करने के लिए, वर्चुअल मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए ये एक कंटेनर है, ठीक है, जिसमें हम वर्चुअल मशीन्स को ऑपरेट कर सकते हैं जहाँ से, एक जगह से। तो चलें वापस आते हैं, यहाँ से हम न्यू डाटा सेंटर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे डाटा सेंटर का नेम देते हैं। जब हम प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में होते हैं तो हम हमेशा रेलेवेंट नेम देते हैं इसके साथ डाटा सेंटर का, कि ये किस चीज़ का है। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ कुछ भी अभी के लिए, चूंकि हम प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में हैं, तो यहाँ पे मैं सॉरी एक्सपेरिमेंटल उसमें है एनवायरनमेंट में है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल अंडरस्कोर लैब फॉर एग्जाम्पल मैंने नेम दे दिया। तो यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे हमारे पास जो है ये यहाँ पे नीचे टाइम आ रहा होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्रिएशन में। तो ये प्रैक्टिकल लैब से हमारा जो है ये हमारा एक डाटा सेंटर जो है वो क्रिएट हो गया। अगर इसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं तो वो कह रहा है कि इसमें कोई भी होस्ट नहीं है, कोई भी वर्चुअल मशीन नहीं है, क्लस्टर नहीं है, नेटवर्क नहीं है, कोई डाटा स्टोर नहीं है, और इसमें मॉनिटरिंग कॉन्फ़िगरेशन परमिशंस होस्ट क्लस्टर्स वर्चुअल मशीन्स डाटा स्टोर कुछ भी इसमें अभी नहीं है। तो चलें आए बगैर टाइम ज़ाया किए इसमें अपना एक होस्ट ऐड करते हैं। तो होस्ट क्या है, जो हमारे वी ESXi जो हमने अलग अलग इंस्टॉल कर रखे हैं उनको हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम ऐड होस्ट करेंगे। ऐड होस्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन वो पूछेगा, तो मैं अपने होस्ट का जो आईपी एड्रेस है वो यहाँ लिख देता हूँ। मेरे केस में आप लोगों ने जो भी रखा होगा वो आपको आइडिया होना चाहिए। तो मैंने एक का तो आईपी एड्रेस वो रखा हुआ है 100.20, तो मैं इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ यहाँ से।
यहाँ पे इसका यूजर नेम और पासवर्ड मैं डालूंगा अपने उस होस्ट का जिसको मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ना कि इस वी सेंटर का जिसको मैंने एक्सेस किया हुआ है, जिसको हमने ऐड करना है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है। तो रूट और रूट के बाद यहाँ पे इसका पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ये हमारे पास इंफॉर्मेशन ले आया, इसका मतलब है इसने उसके साथ कॉन्टेक्ट कनेक्शन बना लिया। वो बता रहा है कि आपके पास ये काली लिनक्स इंस्टॉल है, विंडोज M1 इंस्टॉल है, माई फर्स्ट VM। आप लोगों को याद होगा कि हमने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की थी, वो है FortiGate का। मैंने iOS यहाँ पे डाल रखा है, SAP क्लाइंट सर्वर मेरे पास यहाँ रियल एनवायरनमेंट में चल रहा है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे मेरे पास वर्चुअल मशीन इसमें है, तो ये उसकी इंफॉर्मेशन आ रही है। तो मैं यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एवेल्युएशन लाइसेंस का वो कह रहा है, तो यहाँ से इसको एक्सेप्ट करते हो, हम इसको नेक्स्ट करते हैं। ये यहाँ पे लॉकडाउन मोड जो है, इसको थोड़ा सा आप लोगों ने समझ लेना है कि लॉकडाउन मोड है क्या। एक्चुअली इसमें तीन ऑप्शंस हैं, डिसेबल है, नॉर्मल है और स्ट्रिक्ट है। डिसेबल रखते हैं तो जितनी भी हमारे जो हम इसमें होस्ट जो अभी ऐड कर रहे हैं 100.120 वाला, तो इसको हम अगर डिसेबल रखते हैं तो हम इसको इसके बगैर भी एक्सेस करके इसकी कॉन्फ़िगरेशन और बाकी चीज़ें मतलब कि एक्सेस करके मैनेज कर सकते हैं। अगर इसको नॉर्मल रखते हैं तो दोनों जगह से कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट कर देते हैं तो हम इसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। बाहर से एक्सेस करने का मतलब यह है कि ऐसे हम क्या करते हैं कि यहाँ से डायरेक्ट अगर मैं 120 को एक्सेस करता हूँ, 100.120, तो ये एक्सेस हो रहा है। यहाँ से हम इसको एक्सेस करके यूजर नेम पासवर्ड डाल के मैनेज कर सकते हैं। अगर नॉर्मल मोड पे रखते हैं तो दोनों सूरतों में हो सकता है। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे आ भी रही है, साथ द होस्ट इज एक्सेसिबल ओनली थ्रू द लोकल कंसोल और वी सेंटर, कि हम इसको इस तरह से रिमोटली तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम कंसोल के जरिए जाके एक्सेस कर सकते हैं इस होस्ट को। तो हमारे पास स्ट्रिक्ट ऑप्शन भी है कि हम इसको जस्ट वी सेंटर से एक्सेस कर सकते हैं, इसके अलावा इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये इन तीनों में डिफरेंस है। तो अभी के लिए हम इसको डिसेबल ही रखेंगे लॉकडाउन मोड को, क्योंकि हमें दोनों जगहों से कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ सकती है, डायरेक्ट भी और वी सेंटर के मेन पैनल से भी। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ डिसेबल करते हुए। और तो प्रैक्टिकल लैब में हमने जो है ना वो करना है, बिल्कुल इसी इस होस्ट में करना है, सॉरी डाटा सेंटर में करना है। यहाँ से मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। तो ये इसकी थोड़ा सा एक ओवरव्यू बता रहा है कि भाई आपने इस होस्ट को इस लोकेशन पे, ये इसका वर्जन है और सारी की सारी चीज़ें जो है वो स्टोर, डाटा स्टोर 1, डाटा स्टोर क्या है, इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप करना चाहते हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो